उत्तर प्रदेश के हरदोई के सीएमआई द्वारा मानवता की मिसाल पेश की गई है, जिसकी सब सराहना कर रहे हैं। आपको बता दें कि गंगा सतलुज एक्सप्रेस में एक परिवार सफर कर रहा था, जिनके पास एक छोटा बच्चा था। एक माह के बच्चे का दूध खत्म होने पर भूख से रो रोकर बच्चे का बुरा हाल था, जिसके चलते बच्चे के लिए सीएमआई हरदोई द्वारा ट्रेन में जाकर दूध उपलब्ध करवाया गया। दरअसल गया से लुधियाना के लिए एक परिवार ट्रेन से यात्रा कर रहा था। ट्रेन के लखनऊ से निकलते ही बच्चा भूख के मारे रोने लगा। परिजनों द्वारा रेल सेवा ऐप पर रेल प्रशासन से मदद मांगी गई। मदद को रेल प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए सीएमआई अंबुज मिश्रा को गंगा सतलुज एक्सप्रेस में दूध उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिया। ट्रेन के लखनऊ से आगे बढ़ते ही बच्चा भूख के मारे रोने लगा। परिवार वालों द्वारा ट्रेन में दूध ना मिलने से रेल प्रशासन द्वारा जारी की गई रेल सेवा ऐप पर प्रशासन से मदद मांगी गई। बच्चे के लिए मांगी गई मदद को लेकर रेल प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए बालामऊ स्टेशन को निर्देशित किया, परंतु साप्ताहिक बंदी के चलते बालामऊ स्टेशन पर बच्चे के लिए दूध नहीं उपलब्ध हो सका। इसके बाद कंट्रोल रूम के द्वारा सीएमआई अंबुज मिश्रा को बच्चे के लिए दूध उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश किया गया। अंबुज मिश्रा ने हरदोई रेलवे स्टेशन पर बच्चे के लिए दूध उपलब्ध करा दिया। बच्चे के लिए दूध मिलने पर परिवार ने रेलवे प्रशासन और सीएमआई का आभार व्यक्त किया। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। ऐप है जो सर, उसमें क्या सूचना मिली थी और क्या उपलब्ध आप लोगों ने कराया है, जिससे रेलवे विभाग की हरदोई के जो कर्मचारी हैं तारीफ हो रही है उनकी? हमारे रेलवे विभाग में रेल मदद ऐप है, उस पर यात्रियों को अपने सुझाव शिकायतें और अगर कोई ज़रूरत है तो उसके लिए उस पर अपना लिखित में दे सकता है सूचना, और ये सूचना हमारे मुरादाबाद कंट्रोल को प्रेषित हो जाती है। वहाँ से जैसी ज़रूरत होती है हम वाणिज्य निरीक्षकों को फॉरवर्ड होती है। उस दिन का वाक्य कुछ इस प्रकार है। 033-060 ट्रेन पे लखनऊ से ट्रेन छूटने वाली थी। ट्रेन के टीटी को जो उस समय S5 में कोच नंबर S5 था, बर्थ 23 थी, जो महिला यात्रा कर रही थी उसने टीटी को बताया कि हमारे पास दूध ख़त्म हो गया है, बच्चा रो रहा है, तो हमें दूध उपलब्ध करवा दीजिएगा कहीं रास्ते में। तुरंत ही कंट्रोल को सूचना हुई। बालामऊ के लिए प्रयास किया गया कि बालामऊ में मिल जाए, लेकिन बालामऊ में उस दिन बंदी थी शनिवार की वजह से, तो बालामऊ में नहीं मिल सका। तुरंत ही आनंद फान में हमें सूचना दी गई। हमारे यहाँ भी भोजनालय में ट्रेन के समय सुविधा रहती है, और चूँकि पैकेज्ड फूड उपलब्ध कराना है, ओपन वाले नहीं उपलब्ध कराना है, इसलिए यहाँ भी दूध नहीं था। फिर मैंने अपने दिमाग से त्वरित निर्णय लेते हुए अपने घर में जो केटली थी उसको स्टरलाइज कराया, साफ करवाया अच्छे से, और जो COVID-19 का गाइडलाइन है उस हिसाब से सारा फॉलो करते हुए मैं अपने स्टाफ को लेकर ट्रेन में गया और ट्रेन में उस लेडीज़ को दूध उपलब्ध कराया, और उन सब लोगों ने रेल प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।